ओडिशा सरकार जो पलायनपंथी भूमिका ग्रहण करिसंती, से पलायनपंथी भूमिका विषय रे सांबादिक सम्मेलनी रे आपण मानकु डका हिची। ओडिशा सरकार कृषक मानकु और धान किणीबा परिवर्ते केन्द्र सरकार चाहूची जेते धान राज्य सरकार किणीबो चासिंकर ठारु समस्त धान केन्द्र सरकार किणीबाय पई प्रस्तुत अछि, किंतु दुर्भाग्यर विषय ओडिशा सरकार ना सर्वनिम्न सहायक मूल्य ए राज्यर चाषी मान दौंती 1868 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य थिला, एथर 1940 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य है धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य। आपण मान मन थी रणेन्द्र प्रताप स्वाई जे माननीय मंत्री अच्छा विधानसभा कही सर्वनिम्न सहायक मूल्य रु कम दर में जी धान किरुद्ध फौजदारी मकदमा हे, किंतु सर्वनिम्न सहायक मूल्य रु 1000 टंका 1200 टंका मंडी रे 8 केजी 10 केजी कटनी छटनी करके मिलर्स माने धान किणिले शोषण कले चाषी को, कौनसी गोटे मिलर्स विरुद्ध रे फौजदारी मकदमा सरकार कले ना। एवं आज जेबले सारा ओडिशा रे चाषी असंतोष अछंती, धान किणा बिकारे अव्यवस्था होई छि, सर्वनिम्न सहायक मूल्य चाषी पाउ नाही, 8 केजी 10 केजी कटनी छटनी करिकिरी मिलर्स लुटुची चाषींकर पैसा, केन्द्र सरकार अखार पस्ता पैसा ट्रांसपोर्टेशन पैसा लेबर चार्ज समस्त पैसा केन्द्र सरकार चाषी मानक देवा कथा दौची, से पैसा मध्य मिलर्स माने शोषण करुछंती लुट करुछंती। समस्त प्रसंग रे सारा ओडिशा रे विजु जनता दल विरुद्ध रे जो दल जो सरकार 22 वर्ष धरिकी ए राज्य को शासन करी विरुद्ध प्रबल जन असंतोष अछि, चाषी माने असंतोष अछंती। एवं केवल भारतीय जनता पार्टी नुह, जदि आप देखिए गत रवि समय गत खरीफ समय चारिआड़े चाषी आंदोलन कले धान बिक्री कर न पार कारण, चारिआड़े आंदोलन कले मिलर्स मैंने शोषण करुवा कारण, चाषी मान असंतोष भारतीय जनता पार्टी चाषी असंतोष को लेकर जो राजस्तर आंदोलन कला विजु जनता दल राह खुजिला कड़े जीव, ये जो चाषी असंतोष रु किभली त्राही पाइब एवं पलायन पंथी भूमिका नहीं कि एफसीआई गोदाम घर एफसीआई ऑफिस सामना को चलीगला, एफसीआई ऑफिस रे धारणा दौची पलायन पंथी भूमिका नहीं कि एफसीआई ऑफिस की चलीगला, विजु जनता दल ओडिशा सरकार लुचिछि एफसीआई रे ना गोड़ दुटा दिशुची, विजु जनता दल सरकार एफसीआई रे लुचिछि किंतु तार गोड़ दुटा दिशुची। एठी चाषी असंतोष अछंती, चाषी धान किणिला नहीं, अता बिरारे 15 दिन धरिकी ऑफिस पाती अचल कले बाध्यबाधकता पुलिस दुई दिन तले उठे नेले जो श्रेहांगुरी छुरिया मान्यवर विधायक अंचल, एवं मु जो तथ्य देते से तथ्य उपरे मु किसी कथा आपमनकर सामने रखिया को चाहिबे, जो मिथ्या तथ्य देकी जे ओडिशा रे चासी असंतोष असंती सेथिरु त्राही पाइबा पई एमाने केन्द्र सरकार एफसीआई कर सामने बसी दे एमानकु लागुची जे ओडिशा सरकार प्रति जो चासी असंतोष असंती प्रसवित होई जीव, से असंतोष से राग केन्द्र सरकार उपरे एफसीआई उपरे चली जीव, ओडिशा सरकार एथरु मुक्ति पाई जिवे। ए जो मुक्ति पाइबा पई ओडिशा सरकार रो ए जो नाटकबाजी आज चली छे, ए नाटकबाजी रो पर्दाफाश मु आपन मानकर सामना रे करबा को चाहू छी, एवं जोठी लुचिले मध्य कोठी लुचिबो तीनी भुवन रे ठारो नाही, केवड़ोसी जगह रे ठारो नाही, जोठी लुकिले भी मु आपनकर सामना रे जो जोटा विजु जनता दल जो तथ्य देखा एवं एफसीआई गोदाम सामने एफसीआई सामने धारणा दौरान सारा जिले में ये जो नोटंकी कर विषय में आपर पाखे सूचना देवा चाहिए। ये जो कथा से कहते जी आमको पैसा पेमेंट करा जाए ना, एवं चाउल गच्छी कसी चाउल उठूना, आपण को मुझे चाहिए एफसीआई पक्षर ओडिशा एक हूँ सेंट्रलाइज पेडी प्रोक्योरमेंट राज्य, डिसेंट्रलाइज पेडी प्रोक्योरमेंट राज्य ओडिशा, राज्य सरकार बलका चाउल एफसीआई केन्द्र पर देउछि, डिसेंट्रलाइज पेडी प्रोक्योरमेंट भारत सरकार ओडिशा सरकार एवं एफसीआई मध्य एमओयू अनुसार तीन जनक एमओयू साइन होइछि ओडिशा सरकार एफसीआई एवं भारत सरकार भितर, एवं ऋतु सरकार ओडिशा सरकार खरीफ ऋतु पर प्रत्यक्ष किंबा एजेंसी माध्यम रे धान किंबा अणबासमती चाउल केन्द्र पर संग्रह कर, राज्य सरकार एमओयू रे दस्तखत देछि संग्रह करिवो, किंतु राज्य सरकार संग्रह करू नाही,
राज्य सरकार निज दुर्बलता को लुचेवा एफसीआई आज बसी। द्वितीय प्रसंग हूँ जो कथा से कहते जे 7 लाख मेट्रिक टन चाउल गच्छित तो अच्छी मुझको कहीदे चाहिए जे एटा गोटे रेगुलर प्रोसेस सबू राज्य फूड पॉलिसी हूँ एग्रीमेंट हूँ एवं एमओयू साइन होटा रेगुलर प्रोसेस एका साथ सब चाउल उठेबे प्रोसेस वाइज उठेबे पैसा एका साथ पेमेंट हम ना जिते बिल एम देते से हिसाब से पैसा तक रिलीज हो एटा आज समस्या नुह एटा तो रेगुलर चली सरकार एवं केंद्र सरकार सब राज्य भितर चली एमने जो 7 लाख मेट्रिक टन कथा कहते चाउल उठी सारे केते चाउल गच्छित तो अच्छी एम पाखे तथ्य भी ना मात्र 3 लाख मेट्रिक टन चाउल अच्छी एमओयू जो साइन होती एमओयू हिसाब से ये चाउल सेप्टेम्बर मस से सुधा उठब सेप्टेम्बर मस तो आस सेप्टेम्बर मस तो अच्छी एवं एमने चाउल उठब ना ना एवं कहीं एफसीआई गोदाम बसी चौल सेप्टेम्बर 30 सुधा चौल सब उठब एटा एमओयू साइन होटा रेगुलर प्रोसेस एफसीआई पर्यायक्रमे चौल उठेब। दुई नंबर कथा है जो टंकार कथा से कहले जे धरतु एफसीआई जो पैसा दौर केन्द्र सरकार जो पैसा दौर यहाँ भितर सी एजी ऑडिट हो सी एजी सब तथ्य को ऑडिट करुच्छी कौन सीटा एफसीआई लुके पारे ना कौन सी तथ्य ओडिशा सरकार लुचे पारे ना एफसीआई ऑडिट्रे सामनाकु आसीबो जेंती आपणकर समस्तंकर मने थिबो सीएजी ऑडिट करथिला मु जेतेले प्रथम विधानसभा रे थिली 2014 मसीहा रे 15 मसीहा रे सीएजी रो रिपोर्ट आसीला एवं 2004 रु 2014 भितर गुटे सीएजी रो ऑडिट रिपोर्ट देला धान किणा बिकारे कि ओडिशा एवं से सीएजी रे रिपोर्ट रे उल्लेख कला जे जो धान किणा बिका ओडिशा रे होउची मिलर्स मानकर जदिया रे जो धान किणा बिका होउची कटनी छटनी होची जो 2 क्विंटल धान रेकर्ड करवा कथा से 8 काटिकी बाकी धान किणिली मिलर्स मैंने लिखी दौरान 8 के जी कटिगला चाषीर से 500 कोटी टंका 2004 रु 2014 भितर 500 कोटी टंका ओडिशार चाषी मान लुट होता सी एजी कही जोटा आम आज भी कहूँ जे धान किणा बिकारे अनियमितता होती मिलर्स मैंने लुटुंट सरकारी अधिकारी जो मैंने सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट अधिकारी टैक्स अधिकारी समस्ते मिसिकी चाषी मानक पर्याप्त तो पैसा लुटौच से समय तो धान दर कम थी 500 कोटी 2004 रु 2014 भितर एवं प्रत वर्ष 340 कोटी टाइम लुटौच धान किणा बिकारे जोटा सी एजी आगु धरी आज भी से तथ्य लोक मामनारे अच्छी जो पैसा पेमेंटर कथा मैंने कहते पैसा पेमेंट अच्छी पैसा केमती दिए निए एफसीआई केमती पैसा दिए खाद्य सब्सिडी प्रतिपूरण होता क्षेत्र में एफसीआई यह जनवाक चाहिए भारत सरकार राज्य सरकार को सीधा सड़क खाद्य सब्सिडी प्रदान कर राज्य सरकार एजेन्सी 3096 कोटी बिल एफसीआई पाखे पैठ कर बिल पैठ कर 3096 कोटी टंकार तन्मध्य एफसीआई 14/7/2021 सुधा आप 2957 कोटी टंका राज्य सरकार को दे सारे 2957 कोटी टंका पेमेंट अलरेडी कर सारे एवं बाकी पैसा जो मैंने बिल देवे सेमती तो एफसीआई केन्द्र सरकार जी प्रोसेस होने घिणवे जोटा ट्रांसपोर्टिंग पैसा लेबर चार्ज पैसा चाउल ये मिलिंग पैसा फेजो ही पैसा आसे एवं पैसा केवे अटके ना एवं एफसीआई ठीक हिसाब से ठीक समय पैसा पेमेंट कै जोटा एमओयू रे साइन होती से हिसाब से पैसा दिया निया चलु ए कौन प्रकार असुविधा रहा नहीं आज 22 वर्ष भितर 22 वर्ष शासन विजु जनता दल शासन ओडिशा सरकार विजु जनता दल नेता माने जो माने एफसीआई गोदाम सामने आज बसी से माने टिके ओडिशावासी को कही दिंतु जे धान रखापी चाउल रखापी निजस्व चौल राज्य सरकार भी 22 राज्य सरकार चौल समस्त आम जानी जे सरप्लस चौल एफसीआई किते टार्गेट थाए सरप्लस चौल भी किणे पखापाखि आप रिपोर्ट हिसाब से सरप्लस चौल आप गत वर्ष के 2200000 मेट्रिक टन सरप्लस चाउल भी किसी 17 रु 8 लक्ष मेट्रिक टन सरप्लस चाउल किसी एफसीआई एवं 17 रु 8 लक्ष सरप्लस चाउल किणला पर भी आज जदि गोदाम समस्या हो राज्य सरकार किए मना कर 22 वर्ष भितर राज्य सरकार कौटी गोदाम या 22 वर्ष भितर निजर चौल रखापी चाषी धान रखापी राज्य सरकार गोटे भी गोदाम ठीक ढंग से या सफल हैलाना एवं मिलर्स मान मर्जी में मिलर्स मान दया सरकार तार गोदाम को व्यवहार कर 22 वर्ष भितर राज्य सरकार जो विफलता से जैक एफसीआई ऑफिस सामने बसिले बोध हुए विफलता लोकलोचन को आसबना।
ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଷୀ କରୁଛି, ନିଜେ ଗତ ଥର ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଲେ 13,94,000 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ବି ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 13,14,000 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେକର୍ଡ ଅଛି, 13,94,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ ଦେଇଥିଲା କି ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଥିଲା କେତେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଲା ତାର ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ କେତେ, ଟୋକନ ଦେଲା କେତେ ଏବଂ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଲା କେତେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ବହୁତ ବାହାବାହା ନେଲେ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କେବଳ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାରେ କମ୍ସେ କମ୍ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ 5,000-6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହିଲା ଯେ 54 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇଲେ। ଯଦି 54 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଲା ତାହେଲେ ମାତ୍ର 13,94,000 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ, ବାକି ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନ କେଉଁଠି ବିକୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ନା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ସେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଧାନ ମାର୍କେଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧିର କଥା, ଗତଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ FCI ବାଲା ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, 5ଟି ମଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି। ଏବଂ ସେ 5ଟା ମଣ୍ଡିରୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଧି ବଡ଼, ସରକାର ତ କହୁଛି ତୁମକୁ ଯେ 151 ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ତକ ଖରିଫ ଋତୁରେ 151 ଦିନ, ତ ତୁମର ତ ନିୟମ ଅଛି 151 ଦିନ ଖୋଲିବ। 151 ଦିନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲ? ସରକାର 151 ଦିନ କହିଲା, ତମେ RMC ପଦମପୁରରେ 75 ଦିନ କାହିଁକି ଖୋଲିଲ? ତମେ RMC ସାଲେଭଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଦିନ କାହିଁକି ଖୋଲିଲ? ତମେ RMC ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଦିନ କାହିଁକି ଖୋଲିଲ? ତମେ RMC ଟାଙ୍ଗୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 92 ଦିନ କାହିଁକି ଖୋଲିଲ? ଏବଂ ପୁଣି କାହିଁକି ତମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ, ପୁଣି ମଣ୍ଡିର ସମୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତମେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ ମଣ୍ଡି, ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 2014ରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ବି ଅଛି, 2014ରୁ 2020-21 ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନର, ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦିଏ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ପଲିସି ହିସାବରେ MOU ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ବିଲ୍ ଦେବ, କେତେ ଧାନ କିଣିଲା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ବିଲ୍ ପାଇଲା ପରେ FCI ତାର ପଇସା ରିଲିଜ କରିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର କି 2 ଦିନର କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇ ନାହିଁ କି ପଇସା ଦେଇଦିନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲ୍ ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଏନି ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଋଣ କରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା ପରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ, 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପଇସା ଏଥିରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 2014ରୁ 2020-21 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 370 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ 60,594 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଏଥର ଅଧିକା ପଇସା ଆସିବ, 1940 ହିସାବରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେବା, ଟଙ୍କାଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ ଯେ ମିଲର୍ସମାନେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ଖାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇକି FCIରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି,
उत्तर दायित्व नियंतु ओडिशा सरकार विजु जनता दल सरकार तुम एमओयू साइन करी पैसा आणुछ केन्द्र केन्द्र सरकार तुमको पैसा दौर 1940 टंका एथर खरीफ ऋतु पैसा पाइबे पर क्विंटल ओडिशार प्रत्येक चासी गोटे क्विंटल 1940 टंका पाइबे तार उत्तर दायित्व राज्य सरकार नौ एथुरु पलायन पंथी होई कि को एफसीआई रे को जगह बसंतु नै द्वितीय रे जो मिलर्स मानक राजनीति चली अन्य ओडिशा राज्य में मिलर्स मानक राजनीति नहीं मिलर्स माने निजे कहते हमको ओडिशा सरकार बाध्य कर पठाऊँ मंडी को धान किणवाई ना राज्य सरकार तो एमओ साइन कला तुम एजेन्सी जरिया तुम किणव धान तुम पैक्स अच्छी तुम आरएमसी अच्छी तुम कॉर्पोरेशन अच्छी जहाँ जरिया तुम किणव एसएससी ग्रुप को दायित्व देच किणी सारापर केवल मिलर्स दायित्व होची धान लिफ्टिंग कर सेठी मूल चाउ करने दलाली मध्यस्थी करने मिलर्स मंडी को जीव ना जो मिलर्स मंडी को जाऊँ कौन 10 केजी कटनी ना धान उठब ना सेठी विजु जनता दल नेता मैंने सरकार कौटी सोई थाए जितेबले मंडी में धान उठे नहीं ट्रक जाए ना 8 केजी 10 केजी कटनी छटनी ना ट्रक पठ न पठाइबा मिलर्स कहीकि आसे विजु जनता दल नेता मैंने श्रेहांगी छुरी हूँ कि अगर नेता मैंने कौटी सोई था कहीं मिलर्स और कलेक्टर को कहीकि ट्रक पठाती ना एवं हाथ टेक दिखती एवं जिते बेले चाषी कहे काटतु आज्ञा केत पड़ब आम धान एवं चाषी जिते बेले मिलर्स को कहे काट 8 केजी 10 केजी तापर मंडी को ट्रक जाए मिलर्स धान उठे कौटी सोई था टे उत्तर दिंतु जे मिलर्स जिते बेले लुटुच 8 केजी 10 केजी निजर अपारगता को गुड़ाइवाई केन्द्र सरकार कौन गत थर तो कही जे 1 कोटी मेट्रिक टन धान किणवाई प्रस्तुत आम राजी अच्छू राज्य सरकार टार्गेट दिंतु एवं तो मुझे मुख्यमंत्री को भी चिठी लिखी जे राज्य सरकार टार्गेट दिंतु एथर के राज्य सरकार केणवाई चाहते राज्य सरकार टार्गेट देलापर केन्द्र सरकार से टार्गेट हिसाब से धान किणव केन्द्र सरकार प्रस्तुत अच्छी राज्य सरकार टार्गेट कले कि उत्तर दिंतु तुम्हें एथर खरीफ धान किणा बिके आरंभ रजिस्ट्रेसन हो गला रजिस्ट्रेसन हबार पूर्व ओडिशा सरकार कहीं टार्गेट करूना एत लक्ष मेट्रिक टन धान टार्गेट करूना हटात टार्गेट करें किणलु एत धान किणवाई कहलु गोदाम घर ना पलायनपंथी भूमिका नौकरी भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल सरकार पलायनपंथी भूमिका को निंदा करुच्ची एवं जोठी गले लुचि पारे ना एफसीआई जाइंस कि गोड़ दीटा दिशुची विजु जनता दल लुचिक रही जे एठी कौन एठी चाषी चाषी कहूँ चाषी आंदोलन करुच्ची खाली जदि भारतीय जनता पार्टी राज्य में आंदोलन करता हे तो विजु जनता दल को सुविधा हाँ मोर विरोधी हिसाब से आंदोलन करुँचु ओडिशा कृषक आंदोलन करुच्ची अतापी कहीं 25 जन चाषी को 15 दिन तक आंदोलन कले टोकन लाभ सारा पुलिस बाध्यवाधकता उठे ना पर दिन उठे नहींगला पुलिस कहीं तार तार ओडिशा सरकार कलाहांडी आंदोलन बरगढ़ आंदोलन चाषी मानकर जो चाषी मानकर पाखरे जो सांड काट अच्छी मिलर्स मानकर जरिया सीधा सड़क सरकार पैसा लुटुना सरकार मिलर्स मानक मंडी को पठाऊँ एवं मिलर्स जरिया जो 500 कोटी टंका प्रति वर्ष लुट हो मंडी चाषी ओडिशा सरकार बंद करा ना यहाँ आमर ओडिशा सरकार को प्रश्न।